हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल कल्चर और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और हमने इसकी थ्री मेन टाइप्स भी डिस्कस करी थी जिन्हें थ्री टाइप्स ऑफ प्योर पॉलिटिकल कल्चर भी कहा जाता है नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जब हम पॉलिटिकल कल्चर की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं तो ये मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर क्या है तो ये मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर की टाइप भी आलमंड एंड वर्भा द्वारा ही दी गई थी देखिए आलमंड का ही मानना था कि किसी भी सोसाइटी में एक सिंगल पॉलिटिकल कल्चर नहीं हो सकता है इट इज पॉसिबल दैट सम ग्रुप भी मोर एडवास्ड वाई अदर्स में भी लेस एडवांस्ड एक ही कंट्री में या एक ही सोसाइटी में पॉसिबल है कि कुछ जो लोग हैं वो ज्यादा एडवांस्ड हैं या कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा नॉलेज है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर वहराज अदर्स को इतनी नॉलेज नहीं है तो अलग अलग जो कल्चर्स हैं वो ही एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने दिया था मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर जिनमें जो थ्री मेन टाइप्स होती हैं उनका एक मिक्सचर देखा जाता है तो इसका एग्जाम्पल है जैसे द ग्रुप्स विच आर मोर एडवांस्ड विल डेवलप अ पार्टिसिपेटरी कल्चर अब एक देश है उसमें एक ग्रुप ऐसा है जो काफी एडवांस्ड है काफी उनको नॉलेज है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर इनपुट्स को लेकर आउटपुट्स को लेकर वाइल दूसरा ऐसा ग्रुप है जो कि इन सब चीजों से दूर है उनका कोई भी नॉलेज नहीं है इन चीजों को लेकर इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर तो वो हो जाएंगे सब्जेक्ट या पेरोल कल्चर तो वहां पर आ जाएगा मिक्सचर ऑफ पोलिटिकल कल्चर एंड दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन एजुकेशन पोलिटिकल ट्रेनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड अब एक ही सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर क्यों होते हैं क्यों कुछ लोग एडवास्ड होते हैं और क्यों कुछ लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके या इनपुट्स आउटपुट्स को लेके उसका रीजन है कि कई बार एजुकेशन का डिफरेंस होता है कुछ लोगों के पास एक्सेस है एजुकेशन की कुछ लोगों के पास नहीं है कुछ लोगों के पास प्रॉपर पॉलिटिकल नॉलेज है उनको ट्रेनिंग मिलती है एजुकेशन के थ्रू एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अगर एक पर्सन काफी गरीब है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इतना इंटरेस्ट ना ले पॉलिटिकल सिस्टम में या एक पर्सन का सोशल सर्कल ऐसा हो सकता है कि जिसमें लोगों का कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम को लेके या पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को लेके तो ये अलग अलग रीजन है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा एडवांस्ड होते हैं और क्यों कुछ लोग ओरिएंटेशन नहीं डेवलप कर पाते हैं तो इसी बेसिस पे जो सबसे फर्स्ट टाइप है मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर का वो है पेरोल एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये मिक्सचर है पेरोकियल कल्चर का और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का इसमें क्या होता है इस तरीके के पॉलिटिकल कल्चर में मेजोरिटी तो पेरोकियल है यानी कि उनको चारों पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स की कोई नॉलेज नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे है जो कि सब्जेक्ट ओरियंटेशन डेवेलप कर लेते हैं यानी कि आउटपुट्स की नॉलेज रखते हैं जो सरकार पॉलिसीज बनाती है या डिसीजन बनाती है उसके प्रति अवेयरनेस रखते हैं उन पॉलिसीज एंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पेरोकिल एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और इसका एग्जाम्पल है जैसे पुराने एम्पायर होते थे लाइक द ऑटोमन एम्पायर और द प्रशियन किंगडम द सेकेंड टाइक इज दब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर इट डिपेक्सिफ्ट फ्रामिटिकल ऑरियंटेशन टू पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल ओरियंटेशन ना देखिये पोलिटिकल कल्चर एक ऐसा पोलिटिकल कल्चर हैल कल्चर है जहां पर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर भी देखने को मिल रहा है और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर भी देखने को मिल रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक शिफ्ट हो रहा है सब्जेक्ट पोलिटिकल ओरियंटेशन से पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की तरफ तो क्योंकि एक शिफ्ट हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में उनको नॉलेज भी है अपने इनपुट्स को लेकर और सेल्फ ऑरियंटेशन भी उनके पास वो जानते हैं उनके क्या राइट्स हैं उनके क्या ड्यूटीज हैं उनका क्या रोल है पॉलिटिकल सिस्टम में लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है इनपुट्स के प्रति आउटपुट्स के प्रति या सेल्फ के प्रति ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल प्रोसेस में तो इट्स अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर ये दोनों ही पॉलिटिकल कल्चर्स इस मिक्स पॉलिटिकल कल्चर में देखने को मिलते हैं सो so लेट्स जैसे जर्मनी थी बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट हैड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद वहां क्या देखने को मिला सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर तो ऐसी सोसाइटीज जहां पर शिफ्ट देखा जाता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल ओरियंटेशन से पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल ओरियंटेशन की तरफ वो एग्जाम्पल होता है सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का उसके बाद आता है पेरोकियल एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर अब यह किन का मिक्स होगा ये होगा पेरोल और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफिटिकल सिस्टमियल पॉपुलेशन के पास क्या होगी बट हो उनको जरूरत पड़ेगी एक पार्टिसिपेंट कल्चर को डेवलप करने की क्योंकि पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर पोलिटिकल सिस्टम तो ऐसी सोसाइटीज जहां पर पहले तो पेरोल पोलिटिकल कल्चर था लेकिन शिफ्ट आया टूवर्ड्स द पार्टिसिपेंट पोलिटिकल कल्चर और यह चेंज क्यों आया क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया पॉलिटिकल सिस्टम में नए पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ सके अपने पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम रन अकॉर्डिंग टू रेस ट्राइब कास्ट लैंग्वेज रिलिजन एंड रीजन पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज तो लाया गया इसको डेमोक्रेटिक बनाया गया लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेंस किन चीजों का था डोमिनेंस था रेस का फैक्टर्स लाइक ट्राइब या कास्ट या लैंग्वेज रिलिजन और रीजन तो ये जो फैक्टर्स थे ये एक देश की पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते थे इसका एग्जाम्पल है एशियन और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज इस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर किन सोसाइटीज में देखा जाता है ऐसी सोसाइटीज जो कि ट्रेडिशनली तो पेरोल थी लोगों की कोई नॉलेज नहीं थी इनपुट्स के प्रति आउटपुट्स के प्रति सेल्फ के प्रति या पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी में रहते थे अपनी कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो करते थे लेकिन फिर वहाँ पर एक ट्रांजिशन आई डेमोक्रेसी आई लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा पॉलिटिकल प्रोसेस में तो इससे क्या हुआ एक मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर फॉर्म हो गया पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के साथ साथ पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर भी इमर्ज हो गया और इससे डेवलप हुआ पेरोकियल एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर तो ऐसी सोसाइटीज जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उसमें डोमिनेंस होता है फैक्टर्स लाइक ट्राइब कास्ट लैंग्वेज रिलीजन एंड रीजन इन फैक्टर्स को लाया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में क्योंकि लोगों के मन में अभी भी इन फैक्टर्स के प्रति एक अफेक्शन है इस वजह से ये फैक्टर्स पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करते हैं द नेक्स्ट मिक्सड पॉलिटिकल कल्चर इज द सिविक कल्चर अब ये टर्म यूज करी गई थी ऑलमंड एंड वर्बा द्वारा अपने वर्क द सिविक कल्चर में अब इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी वे डिसीजन मेकिंग पार्ज आर वेस्टेड इन पर्टिकुलर एलिट एंड दीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डिरेक्टली लोग इस तरीके के कल्चर में डिरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में कल्चर पाया जाता है ऐसी सोसाइटीज़ में जहां डिसीजन मेकिंग पास किसके पास होती है? एक पर्टिकुलर एलिट क्लास में वेस्टेड होती है और लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रक्रियाओं में वो इन एलिट्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी जो डिमांड्स हैं वो किसके सामने रखते हैं, इन के पास रखते हैं। और ये एलिट्स उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये एलिट्स एक तरीके से उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं तो लोग अपनी डिमांड उनके पास रखते हैं एंड इट है मिक्स ऑफ ऑल थ्री पॉलिटिकल कल्चर सिविक कल्चर में सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर भी होता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर भी होता है और पेरोल पॉलिटिकल कल्चर भी होता है इन तीनों का मिक्सचर होता है एक सिविक कल्चर एंड सच अ टाइप ऑफ पोलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी अकॉर्डिंग टू वर्बा एंड ऑलमंड इस तरीके का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में और सिविक कल्चर का जो उन्होंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है अकॉर्डिंग टू ऑलमंड एंड ऑलमंडा इज ब्रिटेन उनका मानना है कि ब्रिटेन में एक सिविक कल्चर पाया जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का आप एग्जाम्पल ले लीजिए वहां पर एक इसी प्रकार का सिविक कल्चर आपको मिलेगा लोग जो अपनी डिमांड है से रखते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से रखते हैं राइट फिर वो पार्टी पावर में आती है वो लेजिसलेचर का पार्ट बनती है लोगों के लिए लॉ मेकिंग करती है फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो उन लॉस को इम्प्लीमेंट करता है एंड दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गोज इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो लोगों की डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखते हैं सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिविक कल्चर और इसमें तीनों पॉलिटिकल कल्चर्स पाए जाते हैं अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे फैक्टर्स को जो पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है हिस्ट्री हिस्ट्री एक ऐसा फैक्टर है जो एक देश के पॉलिटिकल कल्चर को डिटरमाइन करता है अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव में बात करें तो हमारी फ्रीडम मूवमेंट ने हमारे पॉलिटिकल कल्चर को फॉर्म करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और इसी वजह से फ्रीडम इक्वालिटी और फ्रटर्निटी जैसे बिलीव्स हमारे पॉलिटिकल कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसके बाद आता है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने में ऐसे देश जहां पर एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर इमर्ज होता है सो लेट्स से अगर एक देश है जहां 10 साल तो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है फिर 10 साल मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है उसके बाद फिर 10 साल डेमोक्रेसी आ जाती है और फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है ऐसे देश में पॉलिटिकल कल्चर का डेवलप हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है वहीं पर अगर एक देश का एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है एक ही तरह का पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यू रहता है वहां पर लोग एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं क्योंकि ऐसे में उन्हें अपने पॉलिटिकल सिस्टम की अच्छे से जानकारी हो जाती है उनको पता होता है कि उनका क्या रोल है पॉलिटिकल सिस्टम में उसके बाद आते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ना सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को देखिए अगर एक देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वहां अच्छी एजुकेशन है कम्युनिकेशन भी अच्छा है तो ऐसे में लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है और इससे एक स्ट्रांग पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होता है वहीं अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसके पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन की या कम्युनिकेशन की तो उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और ना ही वो लोग ओरिएंटेशन रख पाते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के प्रति तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल कल्चर इमर्ज नहीं हो पाता है वहीं अगर हम सोशल आस्पेक्ट की बात करें तो ऐसे कंट्रीज जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा हैं ऐसे कंट्रीज में डोमिनेंस होगी पेरोल पॉलिटिकल कल्चर की इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर एथनिक फैक्टर्स भी पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं देखिए ऐसे देश जहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं रिलीजन के बेस पर रेस के बेसिस पर कास्ट के बेसिस पर ऐसी जगहों पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर नहीं इमर्ज हो पाता है बल्कि छोटे छोटे सब पॉलिटिकल कल्चर्स इमर्ज हो जाते हैं वहीं अगर एक सोसाइटी में एथनिक कॉन्फ्लिक्स नहीं है ऐसे में एक स्टेबल पॉलिटिकल कल्चर इमर्ज हो सकता है ज्योग्राफी भी पॉलिटिकल कल्चर को डिटरमाइन करती है इसको हम ब्रिटेन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं देखिए ब्रिटेन की जो ज्योग्राफी है उसकी जो लोकेशन है उस लोकेशन ने ब्रिटेन को हेल्प किया है कि वो किसी भी प्रकार के इन्वेजन से बचा रहे और इस प्रकार वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम की कंटिन्यूटी रही है और क्योंकि वहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम की कंटिन्यूटी रही है वहां पर एक स्टेबल पॉलिटिकल कल्चर इमर्ज हो पाया है और इसी वजह से वहां पर एक सिविक कल्चर देखने को मिलता है नेक्स्ट फैक्टर इज द आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी तो पॉलिटिकल कल्चर को अफेक्ट करती ही करती है लेट्स से अगर एक पर्सन है वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का है तो अगर हम यूएसए के परस्पेक्टिव में देखें ऐसा पर्सन किस पार्टी को वोट करेगा वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट करेगा वही अगर एक पर्सन लिबरल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है वो किस पार्टी को वोट करेगा वो वोट करेगा डेमोक्रेट्स को तो आइडियोलॉजी भी पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है एक देश जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वहां के लोगों का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो उसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है और जैसे कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया ऐसे कंट्रीज में कौन सा पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है वहां पर देखने को मिलता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर वहां पर पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि लोग इनपुट्स को प्रभावित नहीं कर सकते हैं उनको सिर्फ आउटपुट्स को एक्सेप्ट करना होता है जो सरकार डिसीजंस बना दे पॉलिसीज बना दे उसको एक्सेप्ट करना होता है एंड द लास्ट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द पॉलिटिकल कल्चर इज द फैमिली फैमिली भी पॉलिटिकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है एक पर्सन की जो वैल्यूज हैं जो उसके बिलीव्स हैं उनको डेवलप करने में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यही पॉलिटिक्स के परस्पेक्टिव में भी अप्लाई होता है एक व्यक्ति जब देखेगा कि बचपन से उसके परिवार में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है तो उसका जो रुझान होगा वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति होगा जो उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होगी वो खुद भी उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेगा तो फैमिली भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने में सो दीज आर दैट डिटरमाइन द पॉलिटिकल कल्चर तो पॉलिटिकल कल्चर के क्रिटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इस कॉन्सेप्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं लेकिन इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है इसका पहला ड्रॉबैक ये है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ओपिनियन एंड एटीट्यूड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन अगर हमें एक देश के पॉलिटिकल कल्चर को समझना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हर एक सिंगल पर्सन की ओपिनियन और एटीट्यूड को समझना अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट के प्रति ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है ऑल्सो द व्यूज एंड बिलीव आर नॉट ऑलवेज वेरी क्लियर एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज होल हमारे लिए कई बार लोगों का क्या व्यू है क्या बिलीफ है उनको पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार लोगों के व्यू पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं और ना ही उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेट्स कि अगर हम 10 लाख की पॉपुलेशन वाले एक कंट्री की पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि 1000 लोगों के व्यूज और बिलीव्स को स्टडी किया और उसी स्टडी को उस देश के पॉलिटिकल कल्चर का आधार बना दिया वन कैन नॉट अंडरस्टैंड दर सिस्टम by studying people's political attitudes, beliefs, values and behavior. Political culture का एक और drawback भी ये है कि इससे हम पूरे political system की study नहीं कर सकते हैं इससे हम सिर्फ लोगों के political attitudes, beliefs और values और behavior की study कर सकते हैं और ये काफी नहीं होता है political system की study के लिए क्योंकि political system is very wide. इसमें वेरियस स्ट्रक्चर्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी तो ये स्टडी नहीं करता है एंड हेंस ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉट फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस भी है पॉलिटिकल कल्चर शोज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम इससे हमें लोगों का नजरिया पता चलता है उनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति इट हेल्प्स टू एनालाइज वेरियस सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इससे हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का भी पता चलता है जिन्होंने मदद करी है एक देश के पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने में इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग दिफरेंसिस बिटवीन सिमिलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन डिफरेंट सोसाइटीज पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में जो सिमिलर सिमिलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वैसे तो इंडिया यूके यूएसए तीनों में ही डेमोक्रेसी है लेकिन फिर कैसे ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं? ये हम पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू स्टडी कर सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर हैज लेड टू अनदर कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन दैट स्टडीज हाउ पॉलिटिकल कल्चर ट्रेवल्स फ्राम जेनरेशन टू जेनरेशन पोलिटिकल कल्चर ने एक और कॉन्सेप्ट की डेवेलपमेंट में हेल्प किया है और वो कॉन्सेप्ट है पोलिटिकल इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में हम डिस्कस करते हैं कि पोलिटिकल कल्चर कैसे जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रेवल करता है एंड इट ऑफर्स अनदर वे टू क्लासीफाई द पोलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल कल्चर एक और तरीका है पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई करने का इसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई करने का आधार क्या है कि लोगों की क्या ओरिएंटेशन है पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के प्रति इट हैज हेल्प इन कंडक्टिंग एम्पीरिकल स्टडी फॉर द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट ने पॉलिटिकल सिस्टम की इंपीरिकल स्टडी को कंडक्ट करने में हेल्प किया है इम्पीरिकल स्टडी होती है जब आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक ऐसी स्टडी करते हैं जिसको वेरीफाई भी किया जा सकता है ये व्हाट इज़ पर फोकस करती है राधर शुड बी पर और पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट से कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का एरिया भी ब्रॉड हुआ है इसका स्कोप ब्रॉड हुआ है पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट का एक और एडवांटेज भी है और वो ये कि इसने बोथ हॉरिजोंटल और वर्टिकल स्टडी में हेल्प किया है इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू ना ही हम सिर्फ अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं बल्कि एक देश के अंदर जो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि एक लोकल लेवल पर एग्जिस्ट करता है एक स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करता है फिर एक नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करता है ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स के पॉलिटिकल कल्चर का भी हम पता लगा सकते हैं तो ये था पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो